नवी मुंबई से निकलकर हम महाबलेश्वर पहुंचे थे, जहां हमने खट्टे मीठे फल स्ट्रॉबेरी का स्वाद लिए। तब हमारे जहन में सवाल उठा कि इसे उपजाने वाले किसान की जीवन शैली कैसी होगी। तो चलिए आप भी देखें किसानों की दशा। हम आपको महाबलेश्वर लिए चलते हैं, जहां खट्टे मीठे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, जो लगभग हर बड़े शहरों से लेकर 5 सितारा और 7 सितारा होटल तक पहुँचती है। लोग बड़े ही शौक से रसीले फल का स्वाद लेते हैं, पर शायद ही कोई इस बात पर सोचता होगा कि जो किसान इसकी खेती करते हैं वह कैसे जीते होंगे, क्या मिलता होगा उन्हें। तो चलिए खट्टे मीठे फल कितने जतन से उपजाया जाता है और किसान के हाथ क्या लगता है, देखते हैं। हम स्ट्रॉबेरी के बाग में पहुंचे, जहां यह फल बड़ी संख्या में उगी हुई थी। बड़े मेहनत और लगन के साथ फल तोड़कर टोकरी में इकट्ठा किया जा रहा था। यह नजारा देखे, इस खेती की खूबसूरती आपको मोहित कर देगी, पर इससे खूबसूरत शक्ल देने वालों की जिंदगी एकदम सादा है और कि इन्हें कोई मलाल भी नहीं है, जबकि आप और हम न जाने कितनी हसरतें पाले हुए हैं, जिसकी पूर्ति के लिए दिन रात एक कर देते हैं। पर यह किसान अपने खुदा से इन स्ट्रॉबेरी के पौधों की सलामती की दुआ करते हैं, क्योंकि इनके जीवन का डोर इनके जीवन को ऊर्जा देता है। ठंडी गर्मी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों पर सर्द कितनी ज्यादा होगी और गर्मी कितनी ज्यादा होगी और किसान किन हालातों से जूझता होगा। हमने बाग के मालिक से बात की, तब पता चला कि मेहनत से उपजाए गए स्ट्रॉबेरी का कुछ खास फायदा किसानों को नहीं होता, पर इतना साफ है कि उनके साथ कई और लोगों का घर का चूल्हा जल जाता है। तो हमने किसान से बात की, सुने किसान का क्या कहना था। जो ये बताइए कि ये जो पौधा है आप लोग कहाँ से लाते हो? अमेरिका से लाते है, फिर दरवाजे में बनाते है। अमेरिका से मतलब कोई प्लांट आता है? अच्छा, प्लांट आता है। हाँ। तो आप लोग खरीद के लाते हो पौधे? हाँ, कितने का एक पौधा होता होगा आपका? 10 रुपए का रहता। 10 रुपए का एक पौधा? हाँ। तो पूरी खेती की अगर बात की जाए तो पूरे खेती लगाने में कितने रुपए खर्च होते हैं अंदाजा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लग जाते हैं? 5 लाख रुपया खर्च होने के बाद मुनाफा मिल जाता है या नहीं मिल जाता? मिलता ना। मिल जाता है ना। और नुकसान कब होता है? कोई जंगली भैंसा बैल वगैरह आता है कि यहाँ पे? कैसा ये पौधा अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा ना हाँ, तो फिर खराब भी होते हैं, मर के भी जाता हो, ऐसा भी उसका। अच्छा, तो इसको कितना ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या करने होते हैं इस पे? वो बच्चे, एक तरफ बच्चा बीमार होना उसको बाजू को रखने को लगता। अच्छा, पहला इसका मेंटेनेंस करने को लगता। अच्छा, बच्चा को छोड़ के पहले पेड़ पौधों को बच्चे से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? एक टाइम खाने को नहीं मिला तो भी चलता, पर इसको बहुत इसके ऊपर ध्यान हमारा रहता। तो आपने देखा यह खूबसूरत फल कितने जतन के बाद पैदा होती है, पर इन किसानों के लिए मुसीबत का सबब तब बन जाता है जब जंगली बैल इनके खेत में घुस जाते हैं और उनके पूरे बाग को तहस नहस कर देते हैं। और यह बैल इतने बलशाली होते हैं कि अच्छे अच्छे को दिन में रात दिखा दे। जनाब, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, पर बैल कैसे अपना हुनर दिखाता है, बस यह झलक देखें तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ जंगली बैल को मारना सख्त मना है, या कितना भी नुकसान भला क्यों ना कर दे, पर आप इसे मारे और इसे कुछ हुआ तो आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। कुल मिलाकर मोटा मोटी यह समझ लें, यह फल नहीं उतना आसान जितना आसानी से आप पैसे फेंक कर यह फल खरीद लेते हैं। उसे पैदा करने में सैकड़ों किसान दिन रात एक किए रहते हैं, तब जाकर यह फल मिलता है, इसे मेहनत का फल कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की कोई नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।